ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 18 नवंबर 2020 का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। मित्रों, इस वीडियो के अंत में आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके घर परिवार के बारे में। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपके घर परिवार में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो उस परेशानी को आपको खत्म करना होगा। क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके घर परिवार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने पार्टनर से कोई वादा करना चाहते हैं, कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं, तो वादा करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि आप जो वादा करने वाले हैं, क्या उस वादे को पूरा करने में आप सक्षम हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप वादा करें, अन्यथा वादा करने से आपको बचना होगा। मित्रों, आप में से जो भी दर्शक, जो भी जातक, व्यापारी हैं, तो आने वाले समय के दौरान अपने कामकाज के मामलों में आपको सावधानी बरतना होगा। क्योंकि आने वाले समय के दौरान आप अपने कामकाज में कोई लापरवाही करते हैं, तो उस लापरवाही के कारण आने वाले समय के दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना होगा। मित्रों, आने वाले समय से पहले अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या था, तो उस परेशानी को आपको खत्म करना होगा। क्योंकि आने वाले समय के दौरान इस काम को करने में आपका समय, आपका भाग्य, आपका साथ अवश्य देगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। मित्रों, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 7, यानी कि 7। आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सिल्वर और सफेद। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको चांदी का कड़ा धारण करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।